सो गाइस बिल्डर फ्लोर सीरीज के सफरनामे को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर। लोकेशन होगी सुशांत लोक 2 एक्सटेंशन एंड इट्स क्लोज टू रैपिड मेट्रो स्टेशन सेक्टर 55-56। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इज ऑल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस फ्लोर। एंड अगर हम बात करें आसपास की लोकेलिटी की तो देर इज अ वेल डेवलप्ड सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल, मार्केट आर All are available within a proximity of 1-3 kilometers. So hey guys, मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ साइट विजिट ऑनलाइन पे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज एक नए डिजिटल प्रॉपर्टी टूर को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिल्कुल आपके एंट्रेंस के साथ ही लिफ्ट है और लिफ्ट की अगर हम बात करें तो ऑटिस की लिफ्ट इन्होंने यूज़ करी है इसमें। एंड दिस इज़ योर स्टेयर्स और स्टेयर्स में अगर आप देखेंगे तो ये सामने ग्लास लगे हुए हैं तो इसका बेनिफिट है दोस्तों कि आपकी स्टेयर केस में कोई भी डार्कनेस नहीं रहेगी। देर इज़ अ प्रॉपर लाइट इन द स्टेयर केस। कई फ्लोर्स में ये प्रॉब्लम रहती है स्टेयर केस में वेंटिलेशन, स्टेयर केस में लाइट का कोई भी प्रोविज़न नहीं होता तो काफ़ी डार्कनेस रहती है और यहाँ पर वो प्रॉब्लम का काफ़ी खास ध्यान रखा गया है बिल्डर द्वारा। अब जैसे ही हम एंटर करते हैं ये आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने वुडन से इसको वुडन का डिज़ाइन बनाया हुआ बिल्डिंग टाइप की। सो इट लुक वेरी नाइस। सो एज यू एंटर्ड इन दिस फ्लोर, जैसे ही आप एंटर होते हैं दोस्तों फ्लोर में, दिस इज योर ड्राइंग एरिया एंड दिस इज योर डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया आपका वो वाला डाइनिंग एरिया है और ये बीच का जो एरिया है दिस इज योर फैमिली लॉन्ज एरिया और यहाँ पर आप अपना टीवी का प्रोविज़न उन्होंने दिया है तो यहाँ आप अपना टीवी लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा आपका फैमिली लॉन्च एरिया बन सकता है। और ऊपर अगर बात करें ये देखिए इन्होंने इसमें ये फैंस यूज़ करे हैं, फैंसी लाइट्स इसके साथ लगी हुई हैं। सो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये। तीनों फैंस में फैंसी लाइट लगी हुई हैं
और अब देखिए दोस्तों ऊपर फॉल सीलिंग की बात करें तो जैसे ही आप ये देखिए ये आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस में जैसे ही आप ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ तो ये देखिए बहुत अच्छा इन्होंने वुडन का डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें, और बीच में इनमें लाइट्स लगाई हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन एक सीलिंग में देखने को मिल रहा है। यह आपका एंट्रेंस गेट हो गया दोस्तों, जैसे ही आप एंटर हुए यहाँ पर इन्होंने एक मार्बल का मंदिर बनाया है। और इसके अलावा आप देखें तो मैंने एक्चुअली दोस्तों लाइट्स ऑन नहीं करी हैं, बहुत अच्छा इन्होंने इसमें फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। और ये आपका स्प्लिट एसी का प्रोविजन दिया है इन्होंने, आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का बहुत अच्छा काम किया हुआ है ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। अब बात करें अगर फ्लोरिंग की तो दोस्तों फ्लोरिंग में इसमें आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया में इटालियन मार्बल है, और इवन किचन में भी इन्होंने इटालियन मार्बल लिया है। सो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं पहले बेडरूम को। सो दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। डायमेंशंस मैं आपको नीचे मेंशन करता रहूंगा, आप प्लीज देख लेना। दिस इज योर सीलिंग, सीलिंग का बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है, सो इट लुक्स वेरी नाइस। एंड ये आपका है दोस्तों ग्लास, और इसके ये बेडरूम से और आपका ड्राइंग रूम से दोस्तों ये बालकनी अटैच है। इस बालकनी को मैं आपको बाहर से अभी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम। सो वॉशरूम दिखाने से पहले दोस्तों आप ये देखिए फ्लोरिंग इसमें इन्होंने वुडन की यूज़ करी है, और ये आपका यहाँ इन्होंने स्टोरेज स्पेस दिया है जहाँ आपका सामने टीवी लगेगा। अब चलें तो ये आपका सामने दोस्तों ये ड्रेसिंग एरिया है, और सामने आपका वॉशरूम है, और आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इन्होंने वुडन का काम किया हुआ है इसमें, काफ़ी अच्छी इसमें फिनिशिंग आ रही है। अंदर से अगर मैं इसकी स्टोरेज देखूं, सो दिस इज योर स्टोरेज स्पेस फ्रॉम इनसाइड, काफी अच्छा काम किया हुआ इन्होंने दोस्तों। और ये नीचे की स्टोरेज स्पेस है जिसमें आपके ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज स्पेस दे रखी है नीचे वार्डरोब्स में, और ऐसी ऊपर भी है दोस्तों इसमें सेम आपका इसमें भी है। इसको आप कह सकते हो फोर डोर की वार्डरोब है ये, और दो नीचे हैं इसमें डोर्स। सो दिस इज योर वॉशरूम। अगर वॉशरूम फिटिंग्स की बात करें तो इन्होंने ब्रांड यूज किया है दोस्तों जैगवार का, और दिस इज योर वॉल माउंटेड WC, एंड दिस इज योर विनिटी स्टोरेज स्पेस है आपकी। दिस इज योर मिरर, और ये आपका दोस्तों सामने ग्लास से इन्होंने आपका शार एरिया को पार्टीशन किया हुआ है। ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो अगेन इसमें कोलर है, कोलर ब्रांड यूज किया है इन्होंने, एंड दिस इज योर शार। और यहां पर अगर बात करें ब्रांड की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर इन्होंने कोलर यूज किया है, एंड दिस इज योर वॉश बेसिन, ब्रांड इज जैगुआर, एंड टैप्स भी इसमें जैगुआर के हैं। टाइल्स आप देखें दोस्तों टाइल्स का कलर बहुत अच्छा है, क्रीमी कलर है, बीच में ब्राउनिश कलर लिया हुआ है इन्होंने विच लुक वेरी नाइस। सो अब चलते हैं और देखते हैं इसका बालकनी एरिया।
सो दिस इज़ योर फ्रंट बालकनी, और आप बालकनी का साइज़ देखेंगे तो बहुत अच्छा साइज़ इन्होंने लिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छा साइज़ है दोस्तों बालकनी का। और ये ऊपर LED लाइट्स लगी हुई हैं, और ये बालकनी आप आगे देखेंगे तो ये जहाँ तक है दोस्तों पूरी बालकनी, एंड दिस इज़ योर स्टेयरकेस, यहाँ से आप स्टेयरकेस का भी एरिया इनका नज़र आता है। सो बालकनी की एक्सेस दोस्तों ये आपकी ड्राइंग से भी है और एक बेडरूम से भी है जो मैंने आपको दिखाया। सो अब चलते हैं, अब दोस्तों चलते हैं और देखते हैं इसका सेकेंड बेडरूम। टोटल इसमें 3 बेडरूम है और एक स्टडी रूम है। सो अब जैसे ही आप फैमिली लॉन्ज एरिया में और डाइनिंग एरिया में आते हैं तो ये है आपका एक स्टडी रूम। दिस इज योर स्टडी रूम, और इसमें भी इन्होंने आपका फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। एंड दिस इज योर वार्डरोब, 4 डोर की दोस्तों वार्डरोब है इसमें। वन इज योर शाफ्ट एरिया, और फ्लोरिंग की बात करें तो इसमें आप टाइल्स लगाई है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके बाकी के 2 बेडरूम एंड किचन। ये एक यहां पर इन्होंने पाउडर रूम दिया है, जैसे गेस्ट आता है तो आपका गेस्ट के लिए कई बार वॉशरूम के लिए बेडरूम में जाना पड़ता है क्योंकि कई बार पाउडर रूम नहीं होता, यहां पर इन्होंने पाउडर रूम दिया है। फिटिंग्स अगेन जगवार की है दोस्तों, एंड काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लिया है इन्होंने वॉश बेसिन का, और ये नीचे स्टोरेज स्पेस है दोस्तों, और इसमें भी आपकी वॉल माउंटेड WC लगी हुई है। फिटिंग्स अगेन इसमें कॉलर है, दैट वन इज योर एग्जॉस्ट एरिया। अब चलते हैं आपका, पहले देखते हैं इसका मॉड्यूलर किचन। बट मॉड्यूलर किचन में जाने से पहले आपको एक डिज़ाइन और मैं दिखाना चाहूँगा जो इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लिया है। यह आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर LED लाइट्स लगी हुई हैं, और ये इन्होंने वुडन का, इस पर वुडन की बिटिंग, वुडन का बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है, जिससे आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया की जो लुक है वो बहुत अच्छी लग रही है। दिस इज योर मॉड्यूलर किचन, आप देख सकते हैं इसमें एंट्री में इन्होंने वुडन का बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें भी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका किचन की, जैसे ही आप, ये आपकी किचन की एंट्रेंस है दोस्तों। सो अब चलते हैं दोस्तों और देखते हैं मॉड्यूलर किचन, और ये देखिए जैसे ही आप एंट्रेंस देखें मॉड्यूलर किचन की तो बहुत ही अच्छा इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। सो नाउ लेट्स मूव इनसाइड मॉड्यूलर किचन। सो जैसे ही आप एंटर होते हैं, दिस इज योर रेफ्रिजरेटर एरिया, ये आपका रेफ्रिजरेटर एरिया हो गया, और ये आपका माइक्रो ओवन का स्पेस हो गया दोस्तों, और ये ग्रेनाइट का काम देखो आप, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट यूज किया है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बात करें इसमें बिल्डर क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, सो दिस इज योर हॉब, और कंपनी नेम इज एलिका, और एलिका की आपकी चिमनी है दोस्तों। और बात करें तो दिस इज योर स्टोरेज स्पेस, ये आपका स्टोरेज स्पेस है, और ब्रांड इस जर्मन ब्रांड, ब्रांड की बात करें तो हैटिज कंपनी का ब्रांड लिया है इन्होंने, एंड दीज ऑल आर सॉफ्ट क्लोज, जितने भी आपके स्पेस हैं जो भी आपका स्पेस है ये मॉड्यूलर किचन का, सब सॉफ्ट क्लोज है दोस्तों। और
ये आपका सिंक एरिया दोस्तों, सिंक एरिया के ऊपर ये आपका यूटेंसिल्स रखने की जगह जिसमें नीचे ट्रे लगी हुई है, क्योंकि आपकी इजीली मूव आउट हो सकती है। और ये देखिए आपका सॉफ्ट क्लोज है, ये एक स्टोरेज स्पेस ऊपर है दोस्तों जहां आप अपना सामान रख सकते हैं। सो पूरा ऑर्गेनाइज्ड किचन है। अब बात करें तो ये है आपका वेंटिलेशन एरिया पीछे का, जो कि किचन से भी है इसका डोर एक्सेस, और आपका दो बेडरूम से भी है। तो मैं आपको बाकी बेडरूम से दोस्तों दिखाऊंगा ये पीछे का एरिया। और अब चलते हैं और देखते हैं इसका दूसरा बेडरूम। तो दिस इज योर सेकंड बेडरूम दोस्तों। फ्लोरिंग इसमें वुडन की यूज करी है इन्होंने, और फॉल सीलिंग का पूरा दोस्तों इसमें काम हो रखा है। डायमेंशंस मैं आपको नीचे मेंशन करता रहूंगा। इसमें एक जो और अच्छी खासियत है, ये देखो इसमें इन्होंने वुडन के ऊपर सीलिंग ली हुई है, और वो आपकी आगे वॉल पे भी आ रही है, जिससे इसका एक डिज़ाइन जो है रूम का बहुत अच्छा है। एंड पीछे आपका वेंटिलेशन है। और ये आपका दोस्तों सामने यहाँ पर आपका टीवी का रखने की इन्होंने जगह दी है, आपका इलेक्ट्रिक स्विच दिया हुआ है, और ये नीचे स्टोरेज स्पेस है। नाउ दिस इज योर वार्डरोब दोस्तों, और आप डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन लिया हुआ है इन्होंने। इसमें टोटल एक तरीके से आप कहें तो इसमें 5 डोर की वार्डरोब है, और इसका स्पेस देखें। सो दिस इज वन, ये आपका पहला वार्डरोब का अंदर का स्पेस है दोस्तों। अब बात करें, दिस इज योर सेकंड स्मॉल स्पेस वार्डरोब की, जो कि अंदर तक पूरा स्पेस है इसका, काफी अच्छा। एंड दिस इज योर अनदर वार्डरोब स्पेस। दिस इज योर वॉशरूम एरिया, एंड वॉश बेसिन जगुआर फिटिंग्स आपकी, ऊपर टैप जगुआर का, नीचे ये आपका स्टोरेज स्पेस है, एंड डब्ल्यूसी वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी ब्रांड, अगेन इसमें कोलर है। और शावर एरिया को इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है, जैसे बाकी भी वॉशरूम्स में किया हुआ है, ग्लास से। और टाइल्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छा इन्होंने टाइल का डिज़ाइन लिया हुआ है, और कलर भी काफ़ी अच्छा है ब्लैक। और ये आपका सामने एग्जॉस्ट एरिया है, एंड दैट वन इज योर शावर। सो इस बेडरूम की दोस्तों बात करें, बेडरूम से भी आप अपना एक्सेस कर सकते हैं बालकनी के लिए। दिस इज योर रियर बालकनी, जो कि आपकी किचन से और आपके दो बेडरूम से अटैच है। इसको मैं दिखाऊंगा आपका तीसरे बेडरूम से। अब चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इसका तीसरा बेडरूम। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, इसमें भी जो किचन है, किचन में इन्होंने इटालियन मार्बल यूज करा हुआ है फ्लोरिंग। एंड नाउ दिस इज योर थर्ड बेडरूम, जिसमें फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, ऊपर आप देखेंगे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो आप सोचेंगे यार इसका कहाँ है वार्डरोब, तो वार्डरोब इसमें दिया है। ये है आपका ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ पर ये आपका वार्डरोब है, 4 डोर्स की वार्डरोब है,
नीचे भी स्पेस है और ऊपर भी आपका पूरा स्पेस है। और ये आपका दोस्तों इसके साथ अटैच वॉशरूम है। की बात करेंगे तो आपका जेगवर एंड कोलर ब्रांड यूज़ किया है। और टाइल्स की दोस्तों बात करेंगे तो उसमें ब्राउन कलर का इन्होंने टाइल लिया है, ब्राउनिश कलर, जो कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो इन्होंने सीलिंग में ऊपर वुडन यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज योर शार एरिया, जो कि इन्होंने ग्लास से पार्टीशन किया हुआ है। दिस इज योर वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी। सो ये था दोस्तों आपका तीसरा वॉशरूम थर्ड बेडरूम के साथ जो अटैच था। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी बैक की बैल्कनी, जो रियर बैल्कनी है, जो कि आपकी बेडरूम से, दोनों बेडरूम से और आपका किचन से। दिस इज योर वॉशिंग स्पेस और ये आपकी, दिस इज योर रियर बैल्कनी दोस्तों। और ये इन्होंने पीछे जाली लगाई है फॉर सेफ्टी पर्पस। यहाँ आप प्लांट्स अपना ब्यूटीफुली पीछे डेकोरेट कर सकते हैं इस पर भी। और ऊपर इन्होंने एलईडी लाइट्स लगाई हैं, इसमें गीजर्स इन्होंने लगाए हुए हैं। अब ये एक गीजर यहाँ लगा हुआ है, बाहर इन्होंने इंस्टॉल कर रखा। तो ये था दोस्तों 300 गज का ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर 3 BHK स्टडी रूम के साथ। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर बचा है, अपर ग्राउंड फ्लोर, जो मैंने अभी आपको दिखाया। बाकी तीनों फ्लोर सोल्ड आउट हो चुके हैं। प्राइस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राइस मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ देख लेना। कोई भी आपकी क्वेरी हो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप प्लीज़ नीचे मेरे नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉल करना। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर कॉल करके मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा यार, लाइक प्लीज़ लाइक दबा देना। और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का बटन आ रहा होगा उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, क्लिक कर लेना। उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना सो दैट कि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। सो दैट्स इट फ्रॉम मी अभिषेक शर्मा, बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें।